तो फाइनली अपना बोरुटो मांगा चैप्टर 80 आ चुका है और मैं ये तुमको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, यू विल गोना लव इट। क्योंकि इस चैप्टर में पता नहीं क्या क्या हो गया। सब लोग सोच रहे थे कि शारदा अपनी मांगे क्यों शारिंगान सास्के के मरने के बाद या फिर साकुरा के मरने के बाद अनलॉक करेगी, पर इस चैप्टर में उसने अपनी मांगे क्यों शारिंगान को अवेक कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना अपने टाइम को बर्बाद किए। पिछले चैप्टर में ईडा ने अपनी पावर्स का यूज करके सबको ये यकीन दिला दिया था कि कावाकी ही बोरुटो है और बोरुटो ही कावाकी है। और कावाकी ने ईडा से कहा था कि वो शिकामारू को ये कह दे कि बोरुटो ने लॉर्ड सेवंथ को मार दिया है। तो अब बात करते हैं हमारे बोरुटो के न्यू चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है शारदा के खतरनाक पेज से। तो शुरू में हमें बोरुटो को भागता हुआ दिखाया गया है और दूसरी तरफ शिकामारू शोक में था नारुतो की डेथ के बारे में सुनकर। और फिर वो ईडा से पूछता है कि जो तुमने कहा क्या ये सच है, एंड तभी फिर कावाकी ईडा का कॉलर पकड़ लेता है और कावाकी ईडा को ऐसे देखता है कि जैसे वो शिकामारू को कह दे कि नारुतो मर चुका है। और अपनी ईडा भी ये कह देती है कि बोरुटो ने ही लॉर्ड सेवंथ को मारा है। और दूसरी तरफ शारदा मित्सुकी को समझाती है कि वो बोरुटो से फाइट ना करे, पर मित्सुकी सुनने वालों में से कहा है। वो शारदा को कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, मगर मुझे सबसे पहले बोरुटो के पीछे जाना होगा। तभी शिकामारू अनाउंसमेंट कर देता है कि एक हाईली पॉसिबिलिटी है कि लॉर्ड सेवंथ को नन अदर देन बोरुटो ने मारा है। और यहाँ पर सुमीरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। और शारदा भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि लॉर्ड सेवंथ मर चुके हैं। और मित्सुकी शारदा से कहता है कि तुम वापस जाकर ओरो के साथ रीग्रुप करो और मैं बोरुटो को अपने आप मार दूंगा। और उसके बाद हमें कावाकी को दिखाया जाता है और वो कहता है कि अब बोरुटो एक ऐसा ओत्सुत्सुकी बन चुका है जिसने होकागे को मारा है और अब सब उसे कोनहा का एक एनिमी समझेंगे। इसका मतलब कि बोरुटो अब अपने विलेज भी वापस नहीं जा सकता। और ईडा बोरुटो की जिंदगी का सत्यानाश करने के बाद कावाकी से कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच इतना आगे जाने की जरूरत है। पर भाई कावाकी बोरुटो को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, एंड वो ये कह देता है कि मैं नारुतो और हिनाटा को तब तक रिलीज नहीं करूंगा जब तक कोड एंड बोरुटो मर नहीं जाते। और रही बात कोनहा विलेज वालों की, उनके लिए तो नारुतो मर चुका है एंड उसका किलर बोरुटो है। और तभी सास्के शारदा से मिलता है और अपनी शारदा सास्के से कहती है कि मित्सुकी के साथ कुछ तो हुआ है जो कि वो बोरुटो को मारने की कोशिश कर रहा है। शारदा की इस बात से पता चलता है कि ईडा की ओमनीपोटेंट पावर का शारदा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एंड यही केस सुमीरे के साथ भी हुआ है। पर सास्के भी ओरो की तरह बिहेव कर रहा था और बोरुटो को एक ट्रेटर समझ रहा था। अभी सुमीरे ट्रांसपोंडर के थ्रू शारदा से बात करती है और उसे कहती है क्या तुम अपने सही होशो हवास में हो। और दूसरी तरफ टीम 10 बोरुटो से फाइट करने लग जाती है और यहाँ पर अपनी शारदा कहती है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। और सुमीरे ये कहती है कि ये जो सब भी हो रहा है मुझे इसमें ईडा का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, एंड शारदा रोते हुए सास्के को ये समझाने की कोशिश करती है कि बोरुटो एक ट्रेटर नहीं है। पर सास्के को शारदा की एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ मोमोशिकी बोरुटो से ये कहता है कि एक शिनोबी को अपने दोस्तों से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से मेरे साथ स्विच कर लो और मैं इन्हें एक सेकंड के अंदर खत्म कर दूंगा। बट बोरुटो ने ऐसी सिचुएशन में भी अपना काम नहीं खोया और उसने मोमोशिकी को चुप कर दिया। और यहाँ पर सास्के शारदा से कहता है कि तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम्हें शायद रेस्ट की जरूरत है। पर शारदा कहती है कि प्लीज लिसन टू ओनली सेल्फिश विश योर डॉटर विल एवर डिमांड ऑफ यू, एंड बूम। तभी शारदा की मांगे की शारिंगान अवेक हो जाती है और सास्के भी शारदा की मांगे की शारिंगान को देखकर शोक हो जाता है। और दूसरी तरफ मोमोशिकी बोरुटो को बहलाने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना तुम अपने विलेज में वापिस जा सकते हो, सब तुम्हारी डेथ को देखना चाहते है तो तुम हमेशा के लिए स्लीप में क्यों नहीं चले जाते। और तभी सास्के बोरुटो को टीम 10 के आगे से उठा कर ले जाता है और वो बोरुटो को नारुतो के बेटे से पहली बार मिलने की उसे बात बताता है कि वो कैसे मिले, एंड सास्के बोरुटो को विलेज से बाहर ले आता है। पर फिर बोरुटो सास्के से पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, मैं तो कोनहा का एक एनिमी हूँ। और सास्के कहता है तुम्हारे हेडबैंड की वजह से, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इसे कावाकी से दिया था, पर तुम्हारे पास ये कैसे आया। और एक और बात, मैं तुम्हारे अंदर मोमोशिकी को सेंस कर पा रहा हूँ। पर मोमोशिकी तो कावाकी के अंदर सील था, मतलब अपना सास्के ये तो समझ पा रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। और फिर सास्के ये कहता है कि मैं अपनी डॉटर पर ट्रस्ट कर
सकता हूँ क्योंकि ये मेरी डॉटर की विश है एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और इसके लिए मैं अपनी जान भी जोखिम पर लगा सकता हूँ। तभी मोमोशिकी बोरुटो पर चिल्ला कर कहता है कि अब तुम्हारे बस से बाहर बात चली गई है, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। पर अपना बोरुटो भी नारुतो की तरह हार मानने वालों में से कहां है। और तभी ईडा वहां पर आ जाती है जहां पर बोरुटो था और ईडा के इतने बड़े कांड करने के बाद वो बोरुटो से सॉरी मांग रही है। और तभी बोरुटो ये कहता है कि मेरे अंदर मेरे बाप दादा और माँ का खून दौड़ रहा है, मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगा। सो इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो तुम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।